सभी को रिकॉर्डिंग मैसेज आया बच्चा सभी को? यस सर। ओके सो अगेन बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी आ रहे हैं, अभी हम इस चैप्टर को एकदम खत्म करने पहुंच गए। एंड ये जो आपको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका JEE का कल का पेपर जो हुआ था उसका पेपर है। मैं आपको बोला था ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका मॉर्निंग में आया था, ये आपका मॉर्निंग में आया था और मैं आपको ये बोला ये आपका फोटो आपका इससे पे यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे ये पार्ट देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है पैशन के ऊपर, ठीक है ना। ये आपका हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा के बारे क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है लेकिन आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप उस टाइम पे इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वैल्यू है सॉल्व करना पड़ेगा उसका सॉल्व, इसलिए आपको क्या प्रैक्टिस चाहिए, आपको इस चैप्टर में क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे, क्वेश्चन यही से आ रहा है। देखो आइए आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन था आपका आया था कौन सा सा फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। देखो क्या बोला यहाँ पे, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा आपका कंसंट्रेशन का बताता है, तो कौन आपका मोल फ्रैक्शन बताता है, आपका मोलैरिटी बताता है, मोलालिटी बताता है, मास परसेंट बताता है, ये आपका ये बताता है, कौन सा नहीं बताता आपका, ये आपका क्या बोलते हैं ये बताता, तो कौन सा आपका मोल आपका नहीं बताएगा, खत्म। ये कितना इजी क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका है आपका अबव प्रिंसिपल, अबव वाला जो प्रिंसिपल इसमें से ये आपका क्वांटम, ये आपका इस चैप्टर क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला आपका 50 प्रोटॉन्स है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये भी हम पढ़ेंगे कैसे हम फिल करते हैं इसको, ठीक है ना, ये इसको भी प्रॉपर पढ़ेगा ये। अब देखो ये देखो ये बच्चों ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों ये वाला पार्ट, यस से नो है कि नहीं, यस सर। ये यस सर। ये हमने फिफ्थ चैप्टर यस का सर। हमने लिक्विफेक्शन पर पढ़ा था कि एक पॉइंट में क्या होता है, सी पॉइंट में क्या होता है, ये पॉइंट वाले चैप्टर, तो ये भी तो कितना इजी क्वेश्चन है वाला पार्ट, ये भी आपका कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो सिंपल सी बात है, अभी हम जितना पढ़ रहे हैं एकदम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं एंड कोई भी आगे पीछे नहीं पढ़ रहे, तो अब जो मैं बोलता हूँ तब करिए अच्छे से, मैं डैम से बोलता हूँ कि आपका केमिस्ट्री में आराम से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक ना। ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट में भी आएगा लेकिन इसमें ज्यादा अच्छे से आएगा। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका आपका क्या है, ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन है। देखो आपका यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन दिया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या निकालना है आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों इजी है यस बच्चों, सर। है यस ना। सर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ये जो क्वेश्चन ना ये आपका फिजिक्स पूछा था, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं, ये आपका फिजिक्स क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला आपका ये आपका आइसोथर्म ग्राफ है जो कि हमने क्या क्या पीवी, इसको हमने पीवी प्लॉट किया है और पूछा है इनमें से आपको कौन सा ग्राफ सही होगा, और ये बोला आपका जो आपका T1 टेम्परेचर वो आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, आपको बताना कौन सा प्लॉट आएगा। तो हमने क्या देखा था जब हम प्रेशर वॉल्यूम में प्लॉट करते तो कैसा ग्राफ मिलेगा, हमेशा हाइपरबोला कर्व मिलता है, हमेशा हाइपरबोला कर्व मिलता है, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट से उतना उतना दूर होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो क्या होगा वो उसका कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे देखो अब देखो आपका आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, है ना, क्योंकि हाइपरबोला है, ये आपका हाइपरबोला है, लेकिन आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे T4 को ज्यादा रखा है, क्यों देखो एक कोऑर्डिनेट से यहाँ पे इतना दूर है तो क्या होगा, ये ऑप्शन सी के आपका राइट आंसर, क्यों हमने ये देखा था जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से सबसे दूर होगा, है ना बच्चों, बोलते नहीं पता था हम जब जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, यस या नो यस बच्चों, सर। है ना। तो देखो बच्चों यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका आया था इस बार के JEE कल के पेपर में आया था, तो ये पेपर इजी आएगा, ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है, बस मेन बात क्या है आप प्रॉपरली पढ़ो और जितना मैं करा उतना अच्छे से पढ़ो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका अच्छा मार्क्स बहुत अच्छे से आएगा, कोई डरने की बात नहीं, समझ गए बच्चा, डन यस सर। यस यस सर। ओके ना। तो ये मैंने आपको कल का पेपर बताया, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं आज का टॉपिक निकालते हैं, कौन सा आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मॉडल के बारे में, क्या पढ़ने वाले बच्चों आज हम क्वांटम मॉडल के बारे में पढ़ाई करने वाले पढ़ने पढ़ने वाले, जैसे किसके बारे में आप बोलोगे,
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर तो क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वांटम नंबर के बारे में, फिर हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। थर्ड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ाई करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आया था ना, आपका 55 प्रोटॉन्स है, उस 55 प्रोटॉन में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो कैसे, वो भी इसमें से करेंगे। ठीक है, तो हम ये बेसिक तीन चीज आज करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, जैसे नो यस सर, यस चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर, ओके देखो बच्चों, अब देखो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बोलूं आपको, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई करते हैं, आपको एक टर्म होगा, वो टर्म आपको काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, बोला जाएगा। कौन सा वर्ड बोलेगा, वो बोलेगा आपको वेव फंक्शन के बारे में, आपको वेव फंक्शन के बारे में, इसको आपको बार बार बोलेंगे, आपको वेव फंक्शन में बार बार बोलेंगे। अब देखो जो वेव फंक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बार बोलेंगे। सिंबल क्या था बच्चों इसका, इसका सिंबल होता है आपका साई, क्या था आपका साई, इसका सिंबल है PSI, साई इसका सिंबल है। अब देखो ये जो आपका वेव फंक्शन है, हम उसको साई से डिनोट करते हैं, और हमें क्या बताता है, यह हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, किसके बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, सेकेंड उसका पोजिशन, उसका पोजिशन के बारे में बताता है, एंड थर्ड उसका उसका स्पीड, दैट इज उसका वेलोसिटी के बारे में बताता है। समझ पड़ा बच्चों। अब देखो जैसे मैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने मैथ्स से पढ़ा होगा, आपने ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, दैट इज वाई इक्वल टू MX+C, पढ़ा है बच्चों इसको, पढ़ा है ना इसको, है कि नहीं। यस अब देखो आप मुझे ये बोलोगे वाई क्या होता है, ये आपका वाई एक्स में होता है, एक्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एम क्या है, एम आपका स्लोप है, और सी क्या आपका, सी आपका इंटरसेप्ट है, सी आपका इंटरसेप्ट है। सिमिलरली ये क्या होता है आपका, कोई भी लाइन के बारे में, ये क्वेश्चन आपको उसको हेल्प करेगा उसको बताने के लिए। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसका उसका वेव फंक्शन का स्टडी करना पड़ेगा, उसका वेव फंक्शन का स्टडी करना पड़ेगा। उसका सिंबल क्या होगा बच्चों, उसका सिंबल होता है साई, उसका सिंबल होता है साई होता है, और साई में क्या बताता है, साई में बताता है आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका पोजिशन और उसका स्पीड के लिए बताता है, वेव फंक्शन बताता है। इतना पार्ट समझ गया बच्चा, डन। यस अब देखो सर आगे बढ़ते बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मुझे अगर मुझे वेव फंक्शन के अंदर क्या निकालना है, एनर्जी फाइंड करनी, अगर मुझे वेव फंक्शन मुझे एनर्जी फाइंड करनी, तो क्या करूँ मैं, एक टर्म आता है, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अभी है क्या बच्चों, आप ही बोलो, एच है, एच को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हम इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एडिशन, अगर बोलूँ एडिशन, एडिशन मतलब क्या होगा ना, उसको ऐड करना, हम उसको ऐड करना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, दो नंबर को या दो तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली अगर मुझे किसी वेव फंक्शन का, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन का क्या निकालना, उसको एनर्जी फाइंड करना है, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन का एनर्जी फाइंड करना, तो क्या करूँ मैं, उस वेव फंक्शन किससे मल्टीप्लाई, मैं उस वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन, क्या करता हूँ मैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, हमें मुझे में क्या मिलेगा, उस वेव फंक्शन क्या मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, इसका एनर्जी मिलेगा। समझ गए बच्चों, समझ गए। यस सर यस सर अगेन बोल रहा बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूं मैं, अगर मुझे किसी वेव फंक्शन का एनर्जी फाइंड करना है, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन का मुझे अगर एनर्जी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उस वेव फंक्शन को करता हूं, मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं उस वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उस वेव फंक्शन का मिलेगा एनर्जी, क्या मुझे मुझे मिलेगा, उसका एनर्जी मिल जाएगा। समझ पड़ा बच्चों, समझ पड़ा, डन। यस सर बाकी बच्चे प्लीज आप आंसर दीजिए, ऐसा तीन चार लोग भी यस हैं, आयुष सर बेटा, अरमान बेटा, कैलाश यस बेटा, सर प्रगति,
है ना, अगर आपको समझ आए प्लीज आप उसको थम्स अप कीजिए या फिर आप थोड़ा कुछ रिस्पॉन्स कीजिए तो मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हो, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमने देखा एनर्जी के बारे में। अगर मुझे निकलना है पोजिशन, अगर मुझे पोजिशन ऑफ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजिशन फाइंड, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी करूंगा, मैं क्या करूंगा अभी, जो वेव फंक्शन था, जो आपका वेव फंक्शन था, मैं करूंगा उस वेव फंक्शन निकल मॉड, उसका मॉड निकालूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। मैं करूंगा अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजिशन फाइंड करना, तो क्या करूं मैं उस वेव फंक्शन का मॉड लेके स्क्वायर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजिशन, एट दैट पोजिशन मुझे क्या मिलेगा वहां पे, मुझे उसका पोजिशन, मुझे उसका पोजिशन मिलेगा। समझ गए बच्चों, समझ गए। अगर मुझे, अगर मुझे पोजिशन फाइंड, क्या करूं मैं उस वेव फंक्शन का मॉड लेके स्क्वायर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा उसका उसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अब देखो अभी मैं कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आप ये बोलोगे जो एरिया क्या होगा, डार्क होगा, जो एरिया डार्क होगा मतलब कि डार्कर रीजन में होगा वहां पे होगा, वहां पे आपका ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, वहां पे आपका ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगा, और जहां पे आपका लाइट एरिया, जहां पे आपका लाइट रीजन होगा, जहां पे आपका लाइट वहां पे होगा, वहां पे आपका लेस प्रोबेबिलिटी होगा, लेस प्रोबेबिलिटी किसका, आपका इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। और आपका ऐसा भी एक पोजिशन होगा जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं नॉड, क्या बोलते उसको, नॉड कहते हैं, क्या बोलते बच्चों उसको, नॉड। नॉड क्या होगा, आप ये बोलोगे इट इज द पोजिशन, इट इज द प्लेस, इट इज द प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस है वेयर वेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका वहां पे जीरो, वहां पे आपका जीरो होगा, वहां पे आपका जीरो हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों, समझ गए यार पार्ट, जैसे नो है ना। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आपको वेव फंक्शन के अंदर का, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोजिशन फाइंड करना होगा, हम क्या करते हैं उस वेव फंक्शन का मॉड लेके स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात बात करें, मतलब चांस की बात कर रहे हैं, वहां पर है हमें पता नहीं, हम उसको चांस है क्या वहां पे हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके तो हमने ये देखा, अगर आप इसको देखोगे तो ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है अच्छे से, ये दिख रहा है। अब देखो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, इस आपका, इससे में आपका तीन रीजन है, जो आपका अंदर वाला रीजन है, जो आपका अंदर वाला रीजन है वो कैसा आपका, वो आपका डार्क रीजन है, वो आपका डार्क रीजन है, जो आपका बाहर वाला पार्ट है ये पार्ट, ये कैसा, ये आपका लाइट रीजन है ना, और बीच में आपका एक ये वाला पार्ट है, बीच में आपका एक, बीच में आपका एक पार्ट है जहां पर कुछ भी नहीं है, वो क्या होगा, वो आपका, वहां पर क्या, वहां पर आपका नोड होगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका डार्क रीजन है वो क्या होगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन मिलने चांस, वहां क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। जो आपका लाइट, जो आपका एकदम हल्का रीजन होगा, जो आपका लाइट रीजन वो क्या होगा आपका, आप बोलोगे वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस क्या होगा वहां पे, थोड़ा कम होगा वहां पर, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन। यस सर, ओके यस बहुत बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया, बहुत। ओके अब देखो अभी मैं आपको ये कुछ दिखाता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ वन एस एंड टू एस ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों अगर हम, अगर मैं साई वर्सेस आर को प्लॉट करता हूँ, आर मतलब क्या डिस्टेंस, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे आपका ऐसा एक, ऐसा मतलब ग्राफ मिला है, मुझे ऐसा ग्राफ मिला है, लेकिन जब मैं करता हूँ मैं साई स्क्वायर वर्सेस आर को प्लॉट, तो मुझे कैसे मिल रहा है, मुझे थोड़ा और अंदर से, मुझे अंदर से मिल रहा है। आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो ये क्या होगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी प्लॉट होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ये आपका वन एस का है,
ये आपका 1s का प्लॉट है, अगर आपको देखना ये जो प्लॉट है ये आपका 2s का प्लॉट है, ये आपका 2s का प्लॉट है। और यहाँ पे आप देखो, आप ये देख पा रहोगे 2s प्लॉट में क्या होगा, यहाँ जब आप साई स्क्वायर साई और वर्सेस आर का प्लॉट करते तो क्या होगा, आपको ऐसा डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा, और क्या होगा एक पार्ट आपका पॉजिटिव में होगा एक पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट होगा। लेकिन जब आप उसका स्क्वायर निकालते हो, अगर आप उसका वेव फंक्शन का स्क्वायर निकालते हो क्या होगा, आप ये बोलोगे आपको आपको एक ऐसा ऊपर आपका ऐसा ऊपर डाउन मिलेगा। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, अब आपको क्या मिलेगा, आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली सिमिलरली हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होगा आपका, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव, आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब क्या, अगर मैं साई का स्क्वायर करता हूँ क्या मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, मुझे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। समझ गए बच्चे वाला पार्ट, डन? यस सर, यस सर, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो इतना हमने देखा, ठीक है ना? तो बेसिक अभी तक हमने जितना पढ़ा ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आपका आता है क्वांटम नंबर, कौन सा आता है आपका, क्वांटम नंबर से आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, उसको भूलना नहीं है, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट वाला टर्म है आपका। अब देखो आप बोलोगे बेसिक जब क्वांटम नंबर बारे पढ़े करते हैं, देर आर फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, कितना होता है बच्चों, देर आर फोर टाइप। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, एकदम सही बच्चा। पहला कौन सा होगा, पहला होगा आपका बोलोगे प्रिंसिपल क्वांटम, क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका पहला होगा, जिसका सिंबल क्या होगा, जिसका सिंबल होगा एन, क्या होगा जिसका सिंबल एन होगा। सिमिलरली सेकेंड वाला टर्म बच्चा, आई थिंक किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ओके थैंक यू सो मच बच्चा। ओके अब देखो एंड क्यूर मतलब क्या, क्वांटम नंबर, क्यूर मतलब क्या होगा, होगा क्वांटम नंबर होगा, ये वो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या होगा आपका, आप बोलोगे एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, इसका नाम है आपका एज्यूमिथल, है ना बच्चों, है कि नहीं, यस एज्यूमिथल सर, क्वांटम नंबर, ये यस आपका, सर, ये आपका दूसरा क्वांटम नंबर है। इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे इसका सिंबल होगा स्मॉल, क्या आपका होगा स्मॉल एल के बराबर, कितना होगा आपका स्मॉल एल के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अगेन जो आपका फोर्थ, जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड कौन सा है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते उसको, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या होता है उसे सिंबल आपका एम और यहाँ पे एस, क्या था आपका एम एस, क्या था आपका एम एस, नहीं एम एस नहीं होगा आपका एम एल होगा, हम उसको एम एल बोलते हैं। सिमिलरली चौथा कौन सा होता है आपका, चौथा आपका होता है कौन सा था बच्चों, स्पिन, स्पिन स्पिन क्वांटम, क्वांटम नंबर, जिससे कहता है हम इसको एम एस लिखते हैं, ये आपका उसका सबका सिंबल है। अभी हर एक क्वांटम नंबर का कुछ वैल्यू होता है, हर एक क्वांटम का कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो काफी समझाता हूँ, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, आप एकदम ध्यान समझ जाए इसको, ठीक है ना। अब देखो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम, वो क्या बताता है आपको, आप बोलोगे इट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द, क्या बताता है ये आपको बताता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, ये आपको ये फर्स्ट पॉइंट बताता है। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, सेकंड पॉइंट आपको बताता है आपका क्या बोलोगे बताओ, आप बोलोगे आप बोलो एनर्जी, आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ये आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो जो एन की जो क्या होगा, अगर आपका जो एन के वैल्यू हो क्या होगा, आपका वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, वो क्या होगा ऑलवेज आपका, ऑलवेज आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो कभी भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा, वो कभी आपका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। समझ गए बच्चा पार्ट, डन डन यस बच्चा। सर, यस सर, अब देखो अगर मैं आपको यस, ये बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका एन कल 1 है तो मतलब क्या होगा, आप बोलोगे आपका होगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, क्या होगा आप बोलोगे आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर मैं बोलूंगा एन इक्वल 2 तो क्या होगा, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका क्या होगा
सेकंड ऑर्बिट है। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो एक डिफरेंस होता है आपका ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में, क्या पता है आपको बच्चों उसके बारे में? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। अब देखो एकदम से, देखो जो आपका ऑर्बिट होगा वहां क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन क्या होगा ऑर्बिटल मतलब क्या होगा, इट इज द पोजिशन वेयर फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या होगा वहां पे ज्यादा होगा, हम क्या बोलेंगे एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के ऊपर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक ऑर्बिटल में क्या होगा आपका दो ऑर्बिट, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ऑर्बिट में, दो जा सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा एट, है ना, और ऑर्बिटल में तो काफी सारे घूम सकते हैं ना। एकदम सही। किसके बारे में ये आप ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बता रहा हूँ, ऑर्बिट ना सर जो घूम सकते हैं वो तो ऑर्बिटल नहीं हुआ। नहीं नहीं देखो ऑर्बिटल क्या होता, देखो जब मैं आपको समझाऊंगा ठीक है ना, ऑर्बिट जो आपका ऑर्बिट क्या होता है आपका, वो आपका एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, आपका एफ ऑर्बिटल होता है ना, ये आपके क्या हम इसके बोलते हैं उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, एंड क्या आपका ऑर्बिट्स होता है जैसे आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यस सर, थर्ड ऑर्बिट, है ना, आपने वही बोला ना, यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमने देखा, अभी हम क्या बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं एज्यूमेथल के बारे में। एज्यूमेथल क्या होता है आपका, इसका सिंबल तो एल होता है। अब देखो वो क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द आपका बोलोगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है आपका, पहले देता है आपका शेप, आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आपका ऑर्बिटल्स का शेप बताता है। सेकंड बार बताता है आपको ये आपका एनर्जी, ये आपका एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है बच्चों। अब देखो जो आपका एल के वैल्यू क्या होगा, आपका जो एल के वैल्यू क्या होगा ऑलवेज क्या होगा आपका, वो आपका एन माइनस क्या होगा आपका, एन माइनस वन के बराबर होगा। कैसा होगा आपका, जो आपका एल के वैल्यू कैसा होगा ऑलवेज आपका एन माइनस वन के बराबर होगा। अगर मान के चलो अगर मैं आपको बोलूँ एन के वैल्यू क्या होगा, अगर आपका एन के वैल्यू वन है, अगर आपका एन के वैल्यू वन है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे आपका एल के वैल्यू कितना आएगा, आपका एल के वैल्यू जीरो, कितना आएगा जीरो आएगा। समझ गया बच्चा, समझ गया? यस सर। यस सर। है ना, सिमिलर अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं आपका एन इक्वल टू आ रहा है तो आपका एल इक्वल कितना होगा, आप बोलोगे आपका एल इक्वल ऑलवेज क्या होगा वन आएगा, क्या होगा आपका वन आएगा। सिमिलरली क्या होगा अगर आपका एन इक्वल कितना थ्री है तो आपका एल इक्वल कितना होगा, आपका एल इक्वल आपका कितना है टू आएगा, कितना है टू आएगा। समझ गए? डन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब देखो बच्चों जब एल इक्वल क्या होगा, आपका एल इक्वल स्टार्ट होता है जीरो से, कहां से आपका जीरो स्टार्ट होता है, जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है। अब देखो जीरो मतलब क्या होगा बच्चों, जीरो मतलब होता है आपका एस, कौन सा होता है एस ऑर्बिटल, वन मतलब क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका पी ऑर्बिटल, जो होगा टू मतलब क्या होगा, टू मतलब आपका होगा डी ऑर्बिटल, थ्री मतलब क्या होगा आपका, ये आपका एफ ऑर्बिटल के बराबर होगा। सच पढ़ा बच्चों? तो इसको ये आपको समझ लें, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। समझ गए बच्चा? समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों यस सर, यहाँ पे देखो अगर आपको फाइंड करना एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको निकालना है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा आप बोलोगे जो आपका एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे आप ये बोलोगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन ब्रैकेट में एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा, एच अपॉन टू पाई के बराबर। और मैंने आई थिंक एंगुलर मोमेंटम के लिए ये, हाँ ये आपका एंगुलर मोमेंटम, ये जो पार्ट है इसके लिए आपका, ये आपका है एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, ये आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए। हमने क्या देखा था, हमने बोर्ड में क्या देखा था, बोर्ड में हमने ये देखा था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, हमने देखा था वहां पे एम वी आर इक्वल होता आपका एन एच अपॉन टू पाई के बारे में देखा था, है कि नहीं? यस सर। है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं वेव का तो क्या होगा आपका, ये आपका ये फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना, तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यहाँ पे किसी को डाउट है इस वाले पार्ट के अंदर कि नहीं? सर के साथ क्या लिखा है? नो सर। कौन सा वाला बच्चा, कौन सा वाला, कौन सा वाला पार्ट? एच अपॉन टू पाई, पाई, ये पाई है, मेरे पाई के लिखने का तरीका अलग है, ये पाई है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दे बच्चों, जो आपका एच कट हो ना, देखो ये भी कल मैंने आपको बताता, जो आपका एच कट होता है, जो आपका एच कट के किसके बराबर होता है, वो आपका एच अपॉन टू पाई के बराबर भी होता है,
तो कभी क्या देते हैं एग्जाम में, ऐसे देते हैं, क्या होगा आपका अनरूट एल इन टू एल प्लस वन ब्रैकेट में यहाँ पे एच कट, यहाँ पे एच कट दे देंगे, तो चाहे आप नीचे लिखो या ऊपर वाला लिखो दोनों मतलब क्या सेम है, दोनों का मतलब क्या आपका सेम मतलब है, चाहे ये लिखो या चाहे लिखो सब सेम है, ठीक है, समझ गया पार्ट? यस सर, यस सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने वाले किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम के बारे में पढ़ने वाले। अब देखो ये क्या बताता है, ये आपका इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ये आपका ओरिएंटेशन, क्या बोलेगा आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आपका ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताता है, इसका मतलब क्या वो स्पेस में किस डायरेक्शन में, वो आपका एक्स एक्सिस में है, वो वाई में है या जेड एक्सिस में, वो किस डायरेक्शन में हम मुझे देता आपका एम आपका मैग्नेटिक क्वांटम में बताता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम उसका सिंबल क्या था आपको, उसका सिंबल होता है एमएल, क्या होता है आपका एमएल, से क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम सिंबल होता है। अब देखो बच्चों आपका एम का वैल्यू क्या आएगा, आपका एम का वैल्यू क्या होगा, आपका जो एम का कहां से होता है वो आपका होता है माइनस एल टू प्लस, कितना होगा माइनस एल टू प्लस एल के बीच में होगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका अगर आपका एल का वैल्यू जीरो, अगर आपका एल का वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे आपका एम का वैल्यू कितना आएगा, वो भी आपका जीरो ही आएगा, क्या होगा जीरो आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं अगर आपका एल का कितना आ रहा है आपका वन आ रहा है ना, अगर आपको क्या बोलोगे वन आ रहा है तो क्या बोलोगे उसका आंसर क्या होगा, एम का क्या आएगा, आप बोलोगे जीरो, आप क्या बोलोगे माइनस वन जीरो एंड वन, ये क्या होगा आपका एम का वैल्यू आएगा, एम क्या आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये क्या आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? यस सर, यस सर। ओके, या और ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है आपका, यहाँ पे आपका सबशेल, ये आपका सबशेल के बारे में बताता है। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका एल का कितना वन आएगा, अगर आपका एल का वैल्यू वन आएगा तो मतलब क्या होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो आपका पी ऑर्बिटल, वो क्या आपका पी ऑर्बिटल होगा, ये जो पी एल का क्या पी ऑर्बिटल लग गया। अब देखो एम का कितना वैल्यू है, एम का तीन वैल्यू है, तो क्या होगा आप क्या बोलोगे, आपका पी में तीन सब ऑर्बिटल, कौन सा बोलोगे, एक आप बोलोगे पी एक्स, एक आप बोलोगे पी वाई और एक आप बोलोगे पी जेड, पी जेड बोलोगे। अब देखो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बोलते हो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर आपका एल का वैल्यू कितना टू आता है, अगर आपका एल का वैल्यू टू आता है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे आप एम का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे एम का वैल्यू कितना आएगा माइनस टू आएगा, माइनस वन आएगा, जीरो वन टू आएगा, ये आप एकदम से बच्चे एकदम से। इसका मतलब क्या, मैं आपको ये बोलता जो आपका जब आपका एल इक्वल टू आता है उसका मतलब क्या, वो आपका डी, वो कौन सा आपका होगा, वो आपका डी ऑर्बिटल होगा, वो आपका डी ऑर्बिटल होगा। आप देखो एम का यहाँ पे कितना वैल्यू है, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एम का पांच वैल्यू, देखो यहाँ पे आपका कितना है एम का फाइव वैल्यू से है ना, कितना वैल्यू है पांच वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे जो आपका डी में कितना ऑर्बिटल होगा, आपका पांच सब ऑर्बिटल, आप बोलोगे पांच सबसे लोग कौन सा होगा, आप बोलोगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्यों, बिकॉज आपका एम का कितना वैल्यू, आपका एम का पांच वैल्यू, बिकॉज आपका एम का पांच वैल्यू है, जितना आपका एम का वैल्यू होगा उतना क्या आपका, उतना आपका नंबर ऑफ सबसे लोग, उतना क्या आपका नंबर ऑफ सबसे लोग होगा। क्या बोल रहे बच्चा, क्या बोल रहे हो, कौन सा सर, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता। देखो बच्चा ये जो ओरिएंटेशन ना, ये जो ओरिएंटेशन है ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, शेप फाइंड किया उन्होंने, तो आपका ये आप इससे पैटर्न फॉलो करता है। आपका जो क्वेश्चन है मैं सब सोचूंगा, आपने जो बोला मैं ट्राई करता हूँ कि आप कैसे नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है ना, अगर मुझे कोई प्रॉपर आंसर मिले तो उसके बाद, ठीक है, ठीक है बच्चा। यस सर, अभी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये जो ओरिएंटेशन है वो आपका इसी पैटर्न को फॉलो करता है, वो आपका इसी पैटर्न में फॉलो करता है, बिकॉज जब हम इसका शेप करें पढ़ेंगे ना, जब इसका शेप करें पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है करके, ठीक है, डन। यस सर, ओके, तो आई थिंक ये वाला पार्ट सब कुछ समझ गए बच्चों, ये वाला पार्ट काफी इम्पोर्टेंट, ये वाला पार्ट काफी इम्पोर्टेंट, समझ गए, डन। यस सर, अब देखो अगेन बच्चों, देखो ये जो मैं लिखा ना ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो,
आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हो, अगर आपका एम का वैल्यू कितना जीरो आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका पी एक्स होगा। अगर आपका एम का वैल्यू प्लस वन आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका पी वाई होगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसको ध्यान रखना, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका तो ये, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका एम का वैल्यू जीरो आया, अगर आपका एम का जीरो, इसका मतलब क्या होगा, उसका ये होगा जो आपका पी सबसे लो, उसमें क्या इन दोनों से कोई भी हो सकता है, या तो पी एक्स हो सकता है, या तो पी वाई हो सकता है, या तो पी जेड हो सकता है। तो कभी भी आप उसे कभी मत देखना, अगर आपका एम का जीरो आ गया तो वो पी एक्स होगा, वो ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो क्या होगा आपका, अगर आपका एम का जीरो आया तो मतलब क्या इन तीनों में से कोई वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका एम का वैल्यू कितना है प्लस वन आया तो क्या होगा इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर आपका एम का वैल्यू माइनस वन आया तो क्या होगा, आप बोलोगे इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगा। तो सिमिलरली इस टेबल का आपको ध्यान नहीं देना है, इस टेबल का आपको ध्यान नहीं, क्योंकि आपका रॉन्ग टेबल है। रॉन्ग नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका स्पेसिफिक इसको नहीं बता रहा है। समझ गया बच्चा वाला पार्ट, डन? यस सर, यस सर। ओके, अब देखो, अभी हम ये देखते हैं, जो आपका एस ऑर्बिटल है, उसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम कितना होगा वहां पे, आपका दो, वहां पे आपका मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली पी में कितना होगा, हमने क्या देखा, पी में आपका तीन सबशेल है, कौन सा, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये जो आपका तीनों ऑर्बिटल है, क्या होगा आपका हर एक सबशेल में क्या आपका दो इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन्स तो आप ये बोलोगे पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा, पी में टोटल आपका होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली डी में कितना होगा, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एफ टेन एफ में कितना, एफ में आपका फोर, आपका मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। फोर्टीन समझ पड़ा फोर्टीन बच्चों, समझ गया यस पार्ट? ओके, बहुत सर बढ़िया। यस सर यस ओके सर ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका बेसिक पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपको क्या दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो ये क्या बताता है, आप ये बोलोगे ये हम बताता है इसके बारे में, आप ये बोल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या देता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन, क्या होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आपका स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ठीक है ना? अगर आपका ये होगा क्लॉकवाइज, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होगा, आप बोलोगे स्पिन स्क्वायर कितना की, आप बोलोगे प्लस हाफ, कितना होता है प्लस हाफ होगा। सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा बच्चों, एस्क्यूएल क्या आएगी, एस्क्यूएल क्या आएगी माइनस बच्चों, वन बाय टू माइनस वन बाय टू कितना आपका माइनस हाफ, कितना होगा माइनस हाफ आएगा। समझ गए वाला पार्ट बच्चों, समझ गए? यस यस सर सर और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन, कभी नहीं, वो कभी नहीं होगा, वो क्या होगा ऑलवेज किसी और ऑर्बिट, क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑलवेज होगा आपका ऑपोजिट, कैसा होगा वो आपका ऑपोजिट स्पिन में ही, क्या आपका ऑपोजिट स्पिन प्रेजेंट रहेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाता हूँ तो क्या होगा, या फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे एस ऑर्बिट बनाया और मैं यहाँ पे नीचे और एस ऑर्बिट बनाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा नहीं होगा, वो कैसे होगा, एक आपका अप स्पिन होगा, एक आपका डाउन, स्पिन होगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, डन? यस यस सर ओके ओके, तो आई थिंक यहाँ तक, आई थिंक आपने यहाँ तक प्रॉपरली समझ गए, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, किसी को यस ये पार्ट? सर नो यस सर सर ओके नो सर ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जितना पढ़ा हम उसको एक बार थोड़ा प्रॉपरली ध्यान देते हैं, ठीक ना? अभी हम जितना पढ़ा और कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, तो क्या फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला होगा यहाँ पे टू एल, क्या होगा आपका टू एल प्लस वन होगा, कितना होगा आपका टू एल प्लस वन के बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों? अब देखो ठीक है ना, इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, आपका एल्कोल, अगर आपका एल्कोल जीरो, कितना आपका एल्कोल जीरो है तो मतलब वहां पे कितना होगा, वहां पे आपका खाली एक ही सबशेल, क्या वन आपका एक ही सबशेल, कौन सा होगा वहां पे, खाली आपका एस सबशेल होगा,
एक ही सब चलोगा। अगर आपका एल आ गया तो क्या फॉर्म होगा, आप बोलोगे टू इंटू वन प्लस वन, तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे कितना है? तीन सबसे आएगा, कौन सा आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे पी एक्स आएगा, पी वाई आएगा एंड पी जेड आएगा। सच पढ़ा बच्चों, अगर आपको नंबर और बेटर इन सबसे क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन NHCl, इन NHCl आपका थर्ड सेल में फोर्थ सेल में कितना ऑर्बिटल्स, तो कौन सा फॉर्म होगा, आप बोलोगे n स्क्वायर, आप बोलोगे आप n स्क्वायर करोगे, आप क्या करोगे वहां पे n स्क्वायर करोगे। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपका फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मैं बोलूं आपका n इक्वल टू वन, क्या होगा वहां पे, कितना होगा वहां पे, एक ही सबसे लो कौन सा, अब वहां पे खाली s, वहां पे खाली s ही होगा। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं n इक्वल टू, तो क्या होगा, कितना ऑर्बिटल्स होंगे, आप बोलोगे टू का स्क्वायर, कितना आपका फोर आएगा, कैसे कैसे फोर आएगा, आप बोलोगे एक एस का होगा और फिर आपका तीन पी का होगा, एक एस होगा तीन का पी का होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आप बोलोगे फोर, कितना बोलोगे फोर बोलोगे। सच पढ़ा बच्चों, वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझ पड़ा? यस। ओके, तो ये वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर अगर मैं बोलता हूँ, अगर आपका एन इक्वल कितना है, थ्री है, तो क्या होगा, कितना ऑर्बिट्स होगा, आप बोलोगे नाइन हो, कैसे होगा, एक आपका एस का होगा, ठीक है ना, एक आपका P का होगा और एक आपका कौन सा होगा, आपका D का होगा, ठीक है, आपका D का होगा। समझ गए बच्चा, समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे पांच है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक है, तो कितना हो आपका टोटल नाइन, कितना आपका टोटल नाइन ऑर्बिटल्स, मैं आपका नाइन ऑर्बिटल या नाइन सबसेल होंगे। समझ गया बच्चा, डन? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, हम नेक्स्ट देखते, थर्ड देखते हैं। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NHCl, NHCl में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे टू एन स्क्वायर, क्या आप करोगे टू एन स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे, तो क्या आपका आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। समझ गए बच्चा, तो ये जो फॉर्मूला, यस ये फॉर्मूला आपको ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, आप जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। सिमिलरली हमने टर्म के बारे में पढ़ा था, कुछ नोड के बारे में हमने पढ़ा था, नोड के बारे में, नोड क्या था बच्चों, नोड क्या होता है बच्चों, नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, नहीं जीरो, क्या होता है, कम नहीं, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। आप क्या बोलोगे, इट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलोगे इट इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट, क्या होगा आपका वहां पे आपका जीरो, कितना आपका होगा, जीरो होगा, हम उसको नोड बोलेंगे। अब देखो, नोड भी आपका तीन टाइप का होता है, एक आपका सिंपल नोड होगा, दूसरा रेडियल नोड होगा और तीसरा आपका, अब देखो अगर मैं बोलूँ आपको रेडियल नोड के बारे में, अगर मैं बोलूँ रेडियल नोड के बारे में, दूसरे को ओके अगर मैं आपको बोलूँ रेडियल नोड के बारे में, तो रेडियल फॉर्म में क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे और रेडियल फॉर्म में क्या होगा आपका, आप बोलोगे n माइनस l माइनस, कितना होगा वन होगा, क्या बोलोगे आपका n माइनस l माइनस वन के बराबर होगा। अगर आपको फाइंड करना है एंगुलर नोड, अगर आपको फाइंड करना है एंगुलर नोड के बारे में, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे फॉर्मूला होगा l, क्या होगा आपका फॉर्मूला l आएगा, क्या होगा फॉर्मूला होगा आपका l आएगा। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। ओके फाइन, अगर आपको निकालना है खाली, अगर आपको खाली सिंपल नोड निकालना है, अगर आपको खाली सिंपल नोड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप लोग n माइनस, क्या फॉर्मूला n माइनस 1 करोगे, आप सॉरी आप n माइनस l करोगे, ठीक है ना, समझ गए, समझ गए बच्चा? यस सर, यस सर, यस सर। कोई डाउट यहां पर बच्चों, कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, एक बार मैं देखता हूँ अगर आपको दूसरा कुछ फॉर्मूला है क्या, आई थिंक और बाकी कुछ फॉर्मूलास नहीं है, इतना ही फॉर्मूलास है। ओके ओके फाइन, ठीक है, और कोई फॉर्मूलास है क्या, और तो कोई फॉर्मूलास नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर, ठीक है, डन। ओके
तो हमने ये फॉर्मूला हमने क्या किया, ये फॉर्मूला से पढ़ा किया, समझ गया बच्चा? डन? यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपका काफी आईएमपी है, आईएमपी, समझ गए? डन? यस सर। अब देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। देखो आपको जस्ट जो आपका एस ऑर्बिट ओके सब का वो होता है आपका स्फेरिकल शेप, वो आपका स्फेरिकल, वो आपका स्फेरिकल शेप होगा, वो आपका स्फेरिकल शेप होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बात करूं इसके बारे में पी के बारे में, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे? तो हमने क्या बोला, डंबल शेप देखा था, पी का शेप क्या था, आप बोलो पी का आपका डंबल शेप था, ये आपका डंबल शेप था। देखो यहाँ पे आपको डंबल शेप दिख रहा होगा, ये आपका इस, ये आपका इस टाइप का, ये आपका इस टाइप का शेप होता है, ये आपका इस टाइप का शेप होता है, ठीक है बच्चे? देखो तो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला आपका, एक आपका पी एक्स है, एक आपका पी वाई है, एक आपका पी जेड है ना? तो आप देख पा रहे हो, एक आप देख पा रहे हो नॉर्मल प्लेन के बारे में, दिख रहा है बच्चों? अगर आपको बोलोगे, अगर आप बोलोगे पी एक्स है, अगर आप बोलोगे पी एक्स ऑर्बिटल है, तो आप अगर आपको फाइंड करना होगा इसका नोडल प्लेन, आपको फाइंड करना होगा इसका नोडल प्लेन के बारे में, तो क्या तब क्या करोगे, आप बोलोगे नोडल प्लेन क्या होगा आपका, एक्सजेड, कौन सा होगा आपका, वाई जेड होगा, है ना? अगर आप पी एक्स बोलोगे तो उसका नोडल प्लेन क्या होगा, उसका नोडल प्लेन, उसका नोडल प्लेन क्या होगा, आप बोलोगे वाई जेड होगा। सिमिलर अगर आपको निकलना है पी वाई किल, तो क्या उसका नोडल प्लेन क्या होगा, आप बोलोगे एग्जिट, क्या होगा आपका, उसका एग्जिट क्या, उसका नोडल प्लेन, उसका नोडल प्लेन होगा, समझ गए बच्चा? डन? यस सर। यस सर। तो ये वाला पार्ट आपको समझ, तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझना आना चाहिए, समझ गए बच्चा? सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे किसको? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ देखो ये आपका डी ऑर्बिटल, से कौन सा ऑर्बिटल है, ये आपका डी एक्स वाई है, ये आपका डी वाई जेड है। तो देखो यहाँ पे डी मतलब क्या, ये आपका एक्स डायरेक्शन में, एक आपका वाई डायरेक्शन में, और जो जो जेड वाला पार्ट वहां पे आपका, वहां पे नोड, वहां पे आपका नोड डाला हुआ है, समझ पड़ा बच्चों? डन? यस सर। देखो ये आपका, ये आपका डी एक्स, ये आपका डी एक्स वाई है। देखो ये जो पार्ट है ना, एक खाली आपको समझना है, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये खाली समझने वाला पार्ट है, ठीक है? सिमिलर देखो ये आपका क्या, आपका ये आपका डी एक्स जेड है, ये आपका कौन सा है, ये आपका डी एक्स जेड है, और ये क्या, ये आपका नोडल प्लेन है, ये आपका नोडल प्लेन है, समझ गए? ओके बच्चा, डन? यस सर। यस सर। यस सर। देखो ये कौन सा बच्चा, ये आपका है डी एक्स, ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और ये क्या, ये आपका डी जेड स्क्वायर का है। जो सिंपल सी बात है, ये खाली आपको ध्यान रखना है, ये खाली आपको ध्यान रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, समझ गए? डन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब देखो, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। अब देखो हमने ये देखा कि आपका हर एक ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगा, और क्या होगा उस हर एक ऑर्बिटल का डिफरेंट एनर्जी होगा। तो अगर आपको जो आपका ऑर्बिटल एनर्जी है, आपका जो ऑर्बिटल एनर्जी है, हम कौन से फॉर्म में पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ते हैं ऑफबॉग से, हम करते हैं ऑफबॉग का रूल यूज करते हैं। तो ऑफबॉग क्या बोला, ऑफबॉग ने ये बोला कि दैट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, वो क्या होगा, वो जल्दी भरेगा। मतलब क्या होगा, जिस ऑर्बिटल का कम एनर्जी होगा उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, ठीक है ना? तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले आएगा। अब देखो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस कौन से ऑर्बिटल का वैल्यू है। आप क्या करोगे, अगर आपको निकालना है, अगर आपको एनर्जी निकालना है किसका, ऑर्बिटल्स का, अगर आपका एनर्जी निकल किसका ऑर्बिटल, तो क्या करोगे आप, करोगे एन प्लस एल क्यू करोगे, क्या करोगे आप, एन प्लस एल क्यू करोगे, ठीक। अब देखो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर टू पी की बात, अगर मैं बात करूँ टू पी के बारे में, तो टू पी में एन क्यू क्या होगी बच्चों, टू पी में एन क्यू क्या होगी, टू होगा, और टू पी में आपका पी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पी का क्या वैल्यू आएगा, वन, है ना? पी का कितना, पी का वन वाले। देखो मैंने आपको लिखा था ना, मैं क्या लिखा था आपका, अगर आपका एल क्यू जीरो आता है तो
तो क्या होगा, वो आपका एस होगा, अगर वन वन होता पी होगा, अगर टू हो तो आपका डी होगा, और अगर थ्री हो तो क्या होगा, वो आपका एफ, वो आपका एफ होगा। समझ पड़ा बच्चों? यस या नो? यस सर। ओके, अब देखो जिसका भी आपका एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, सॉरी जिसका भी आपका एन प्लस एल का जिससे कम होगा वो क्या होगा, वो आपका लोअर रेंज का, वो क्या होगा लोअर रेंज आएगा, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो अगर आपका एन प्लस एल का क्या आपका सेम आ गया, अगर आपका एन प्लस वैल्यू आपका सेम आ गया तब क्या होगा बच्चों, तब ये बोल, तब ये देखोगे जिसका हुस हुस एन वैल्यू, जिसका एन वैल्यू क्या होगा स्मॉलर, जिसका स्मॉलर होगा वो क्या होगा, आप क्या बोलोगे उसका क्या होगा सबसे कम रेंज होगा, जिसका एन वैल्यू स्मॉलर होगा क्या होगा उसका स्मॉलर एनर्जी होगा, उस ऑर्बिटर का स्मॉलर एनर्जी होगा, एनर्जी होगा, ठीक है बच्चों। अब इससे मान के चलो अगर मैं आपको, अगर मैं इससे मैं एग्जांपल देता हूं पे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसका 2p का एंड 3s का, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसका आपका n के लिए 1 आ रहा है यहां पे, सर 2 आ रहा है, और p के लिए आपका, p के लिए आपका l का कितना 1 आ रहा है। अब देखो एसएल क्या होगा, आप बोलोगे एन का कितना आएगा 3 आएगा, 3 एल का कितना 0 आ जाएगा, 0 ना 0 आएगा। अब दोनों को ऐड करो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा किसका एनर्जी कम होगा, जिसका आपका एन का कम होगा, तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे आपका 2p में क्या होगा आपका एन का कम है, तो क्या होगा इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी का 2 इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है, समझ गया बच्चा, समझ गए, ओके इतना देखा। अब देखो जो आपका JW जो क्वेश्चन आया था, जो आपका JW क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, उसने उसने आपने देखा उसने आपको 55 क्या करना, आपको 55 प्रोटॉन को क्या करना फिल करना है, उसमें आपको 55 प्रोटॉन को फिल करना, तो कैसे करोगे देखो मैं क्या बोलता, आपका एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में आपका 6 जाएगा, डी में आपका 10 जाएगा, ये सुनो बच्चों है कि नहीं, यस सर, यस सर। अगर मैं इसको फिल कर दूं, अगर मैं इसको फिल कर दूं तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे 6 गया, आप सब काउंट करो, आप सब काउंट करो, जहाँ पे आपको 55 आ जाएगा वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है, जहाँ पे आपका 55 आपको स्टॉप हो, देखो 10 4 10 12 18 20 30 36 यहाँ पे आपका 4p का आपका 36 हुआ, आपको और फिल करना पड़ेगा, अगेन आपका यहाँ पे 2 आएगा है ना, फिर आपका अगेन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, तो कितना होगा 46 हो गया, कितना होगा आपका 46 हो गया, अब देखो 46 हो गया, ठीक है ना, अब देखो 48 हो गया, अब यहाँ 48 हो गया, कितना हो गया 48, हाँ 48 हो गया, बचा कितना 7 बचा है ना, हाँ 7 बचा, तो क्या यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका 6 जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, यस या नो, हेलो बच्चों, यस सर, अब कितना बच्चा, yes, अब आपका एक बचा, क्या होगा आपका यहाँ पे आपका एक जा रहा है, आपका एक जा रहा है, तो क्या होगा ये आपका ऑर्डर होगा, ये क्या होगा आपका ऑर्डर होगा, आप देखो यहाँ पे इसका वैल्यू और उसका क्या होगा सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है ना, जब लिखा तो बेसिक कुछ नहीं, हमको निकालना आपको एनर्जी निकालना है, तो अब्बो ने क्या बोला, अब्बो ने ये बोला था जिसका आपका जिस ऑर्बिटल क्या होगा जिसका लोअर रेंज क्या होगा उसका उसका क्या होगा आपका उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी फिल होगा, है ना, जिसका आपका लोअर रेंज होगा उसका उसके से क्या होगा सबसे पहले वहां पे फिल होगा, समझ गए बच्चा पार्ट, डन, यस सर, यस सर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपका ऑब्वियस है कि आपका इसका कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे आपका ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हम उसको देखते हैं, देखो ये क्या ये इसका ऑर्डर है, ये आपका इसका ऑर्डर है, इसको आप ध्यान देते, बेसिकली आपको क्या देना रखना है, आपको आपको n प्लस l के लिए फाइंड करना है, जिससे कम होगा वो क्या होगा आपका उसका आपका लोअर रेंज आएगा, वो क्या आपका लोअर रेंज आएगा, सच पढ़ा बच्चों वाला पार्ट, तो ये आपका इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में, डन, समझ गए, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते किसके पॉलिस के बारे में, तो पॉल ने क्या बोला था बच्चों, पॉल ने क्या बोला था, पॉल ने ये बोला था कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन,
दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और क्या होगा, जो जो दो इलेक्ट्रॉन है आप क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑप, क्या होगा आपका ऑपोजिट, क्या होगा आपका ऑपोजिट, क्या होगा स्पिन होगा, क्या सोच आपका ऑपोजिट स्पिन हो चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ ये आपका, अगर मैंने आपको ये ऑर्बिटर बनाया है, कोई इलेक्ट्रॉन आपका वो आपका ऐसे स्टेट में, वो आपका कभी ऐसे स्टेट में नहीं होगा, वो किसका होगा, वो ऑलवेज आपका इस स्टेट में होगा। एक आपका ऊपर होगा, एक आपका काउंट, एक एक क्लॉकवाइज होगा, और एक आपका काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। समझ गया बच्चा, ये पार्ट डन। यस सर। ओके, बाकी बच्चे को आप तो आंसर दीजिए, खाली 3-4 बच्चे आंसर दे रहे, प्रिंस, प्रगति, कशिश और बाकी बच्चे जो भी यहाँ पर है चैट के अंदर। जैसे यहाँ पे मुझे कौन दिखा, कनिका दिखाई दे रही है, क्या वेंजिल दिखा, खुशी दिखाई दिखाई दे रही है, रीना दिखाई दे रही है। बच्चा आप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपरली अभी? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ओके। तो अभी हमने इसको खत्म किया, ठीक है ना। तो पॉल ने ये बोला, तो पॉल ने क्या बोला कि आपका ऑर्बिट में आपका मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, और क्या होगा वो दो इलेक्ट्रॉन जो फिल है उनका उनका ऑलवेज क्या होगा आपका, उसका ऑपोजिट, वो क्या होगा आपका ऑपोजिट स्पिन में को रहेगा। समझ गया पार्ट डन। यस सर, यस यस सर, यस अब देखो, सर। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद हुन के बारे में। हुन ने क्या बोला, हुन ने क्या बोला बच्चों, हुन ने ये बोला था कि जो पेयरिंग होगा, ने ये बोला था जो आपका पेयरिंग पेयरिंग टेक प्लेस, पेयरिंग टेक प्लेस पेयरिंग क्या होगा आपका, तब होगा पेयरिंग टेक प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फील्ड। कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होगा, मतलब क्या, पहले आपका ऑर्बिट, जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे ये आपका ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है, ये पी वाई, ये आपका पी जेड है। सिमिलर अगर मैं आपको दूसरा ऑर्बिटल, यस अगर मैं आपको दूसरा, जैसे मान के चलो ये पी एक्स बना, ये पी वाई बना और मुझे पी जेड बनाया, मान के चलो मुझे यहाँ पे इस इन तीनों ऑर्बिटल में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो क्या होगा, मान के चलो 4 फिल करने है, तो कैसा होगा, अगर मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ऐसे मुझे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हुन ने क्या बोला, हुन ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसा होगा, सबसे पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई होगा, जैसे मान के चलो पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, मतलब क्या होगा, पहले सिंगल फील्ड हो गए, फिर क्या होगा, फिर आपका डबल फील्ड होगा। अब 3 आ गया, अब क्या होगा, अभी आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। फिर आप, उन्होंने ऐसा बोला इलेक्ट्रॉन के बैसे से फिल, इलेक्ट्रॉन के बैसे फिल नहीं हो सकता, कैसे, ऐसे देखो 1 2 3 4 कभी ऐसे फिल नहीं होगा। उन्होंने यह बोला कि हर एक ऑर्बिट में क्या होगा, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर क्या होगा, फिर आपका डबल डबल पेयर होना स्टार्ट होगा। तो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने आपका क्या बोलते हैं आपका, उन्होंने ऐसा इसके बारे में बताया था। समझ गए बच्चा, वेल पार्ट डन। यस सर, यस सर। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फिल करना ऑक्सीजन के, अगर आपका ऑक्सीजन एटोमिक 8 है, अगर आपको उस फिल कर, तो क्या बोल, अब क्या बोलोगे आप, बोलोगे 1s2, 2s2 कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2p4, है ना, आप 2p4 बोलोगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, आप बोलोगे पहले आपका ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और ये आपका 2p ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, आप इलेक्ट्रॉन पहले s में जाएगा, तो क्या होगा आपका इसमें जाएगा, तो पहले ऐसे फिल हुआ, फिर आपका ऐसे फिल हुआ, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, फिर आपका 2s में जाएगा, तो इसकी एनर्जी 2p से कम है, तो क्या होगा, पहले आपका ऊपर सिंगल होगा, फिर आपका ये डबल होगा, ऐसे होगा। जब अब कितना बचा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फिल होगा, दैट इज सिंगल सिंगल सिंगल, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर क्या फर्स्ट होगा, में आएगा। फिर अभी क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या होगा, ये आपका ऐसे फिल होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। सच पढ़ा बच्चों, ये पार्ट डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सो बच्चों, हम यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, ये भी काफी सिंपल और टॉपिक है, ये आपका स्टेबिलिटी, पढ़ लेते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान देने बात है। अब देखो, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर आपका, अगर आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, अगर आपका P3 वाला पार्ट है, अगर वो P3 है या P6 है, हम ये बोल सकते हैं, अगर आपका जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका, अगर वो हाफ फील्ड है या आपका फुली फील्ड है, वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल, वो क्या आपका ज्यादा स्टेबल होगा।
ओके आपका ज्यादा स्टेबल होगा। सच पढ़ा बच्चों। और इनस्टेबल यस सर। और क्या होगा, इनस्टेबल इलेक्ट्रॉन में से, इनस्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। मान के चलो मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाया, अब मान के चलते हैं इस पी ऑर्बिटल आपका यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन है और आपका दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये पी वन, इसको पी मानो, इसको पी मानो, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है। अब किसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आपका इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, क्यों, ये क्या आपका, ये आपका पूरा फुलफिल नहीं है। आप क्या बोलोगे, ये जो आपका पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल किस आपका, आप बोलोगे ये पूरा हाफ फिल्ड है, ये पूरा आपका हाफ फील्ड है। यस हाफ फिल्ड है। अगर वो हाफ फिल्ड है मतलब क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल, वो क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वो क्या आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो ज्यादा स्टेबल तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका प्रॉपरली सिमेट्री, वो क्या होगा प्रॉपरली आपका सिमेट्री, वो क्या आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सच पढ़ा बच्चों, एल पार्ट डन। यस सर। तो वैसे यस देखो, सर। वैसे क्या देखो क्या होगा, देखो मान के चलते हैं हम ये बोलेंगे जो आपका पी थ्री है, जो पी थ्री है, पी सिक्स है, या आपका डी फाइव है, या डी टेन है, या एफ सेवन है, एंड एफ फोर्टीन है, आप क्या बोलोगे, ये क्या आपका, आप क्या बोलोगे इसको, अब इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इन ऑर्बिटल्स, क्या होगा इन ऑर्बिटल पे आप इलेक्ट्रॉन के आपका सिमेट्रिकल मतलब क्या प्रॉपर ऑर्बिटल से फिक्स है, या तो सारे वो फुली हाफ फिल्ड है, या तो फुली फुल, या फुली फुलफिल्ड है। अब देखो जब मैं बोलता हूँ फुली हाफ फिल्ड तो क्या होगा, फुली हाफ फिल्ड मतलब ऐसा होगा वो आपका ऐसा, ये आपका सब सिंगल सिंगल हो गए, ये क्या होगा, मैं इसको हाफ फिल्ड बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा, इसको हाफ फिल्ड बोलूंगा। अगर मैं बोलता आपको ऐसा, अगर आपका ऐसा होगा एक दो तीन चार पाँच छ, तो क्या होगा, ये आप क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा फुली, फुलफिल्ड हाँ फुली फुलफिल्ड, ये आपको फुली फिल्ड बोलूंगा, यस मैं इसको बोलूंगा। सच पढ़ा बच्चों डन। सर। यस सर। तो आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपका जब कोई आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर आपका हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, क्या होगा उसके, वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल, वो क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गया बच्चा, सर डन। यस सर। ओके बहुत सर बढ़िया। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हम उसे देखते हैं फुली फील्ड वाला पार्ट, फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके सर। फिर भी मैं एक बार तो इसको देखता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है आई थिंक वो आपका फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है डन। ओके सर। ओके हाफ चलो, फील्ड भी तो होता है, क्या होता है बच्चा, हाफ फील्ड होता है, हो सकता है सर। वो भी होता है ना, हाँ वो भी होता है, मतलब फुली लेकिन यहाँ पे फील्ड कंपेयर कर ज्यादा रहे हैं, होगा ना। हाँ वो फुली फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना, जब हम नेक्स्ट में तो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। जहां तक मुझे पता है ओके जो दोनों ही होते हैं, लेकिन आपका जो आपका जो फुली फील्ड होगा आपको ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ट्राई करते हैं उसको, देखते हैं, ठीक है। तो जब आपका आपका नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें क्या रहेंगे, इस चैप्टर के पूरा न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपका ए टू जेड, आपका क्वांटम में तो हो गया ये अल्फा ड्राइव है ना, तो मैं खाली ए टॉपिक बचा, एक आप एक्सचेंज एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे करेंगे, एंड आपका कौन सा क्या बोलते हैं आपका स्क्रीन इफेक्ट, आपका स्क्रीन इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, ये दो टॉपिक हम खत्म करेंगे, यस सर। एंड आपका जितना इस चैप्टर में आपका जितना भी न्यूमेरिकल्स हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि आपका इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है ना बच्चों, है कि नहीं, यस या नो, यस है सर। ना, न्यूमेरिकल्स को आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों डन। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, सो अगेन एकता, आयुष, प्रगति एंड सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे, सबको थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू सर। सेम टू यू एंड सर। सेम टू सेम टू यू यू सर। सर। एंड अगेन बच्चों अच्छा अच्छा था वो सबको पढ़ा के, एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच, आप क्लास को जा सकते हो, तो बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय सर। यस सर। बाय सर।